हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है जयदीप आमेठा और आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के जिसका नाम है ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन किस बारे में बात करेगा तो अभी तक आपने बहुत बार जितने भी चैप्टर्स पढ़े उन सब में आपने यूज किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था ये सारी चीजें तो हमने अभी तक अर्थ के रेस्पेक्ट में बात की थी कि अर्थ हर एक मास पे अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाती है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं क्लियर है बात लेकिन ग्रेविटेशन सिर्फ अर्थ तक ही लिमिटेड नहीं है ग्रेविटेशन कोई भी दो मासेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स तो यस ग्रेविटेशनल फोर्स ये कहता है कि पूरे यूनिवर्स में किन्नी भी दो मासस के बीच में हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स रहता है और वो फोर्स होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्लियर है बात अब ये ग्रेविटेशन क्यों है इसके बारे में अगर बात की जाए तो बहुत सारे साइंटिस्ट का अलग अलग मानना है अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई है कि है? तो मानते हैं कि हर एक मास अपने चारों तरफ एक ऐसा इनविजिबल फील्ड क्रिएट करता है ठीक है इनविजिबल एक फील्ड क्रिएट करता है हर एक मास अब उस फील्ड के अंदर जब कोई दूसरा मास आ जाता है तो उसपे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है कुछ लोगों का ये मानना है इससे फील्ड थ्योरी कहते हैं और यही हम आगे पढ़ेंगे फील्ड थ्योरी कुछ लोगों का मानना है कि ग्रेविटेशन कुछ पार्टिकल्स की वजह से लगता है जैसे लाइट में फोटोन्स होते हैं वैसे ही ग्रेविटेशन फोर्स के लिए ग्रेविटोन्स कुछ पार्टिकल्स हैं वो जिम्मेदार हैं तो उन पार्टिकल्स की वजह से दो मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो फिलहाल हमारे केस में हम जो अपने लेवल पर बात करेंगे वो बात करेंगे फील्ड थ्योरी की कि कोई भी एक मास अपने आसपास एक इनविजिबल फील्ड क्रिएट करता है और उस फील्ड में जब कोई दूसरा मास आता है तो उस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है क्लियर बात अब इसकी खोज किसने की तो बहुत लंबे टाइम से चला आ रहे लेकिन जो एक सॉलिड प्रूफ या एक लॉ जिन्होंने दिया वो थे न्यूटन तो यहाँ भी बिल्कुल न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन साहब हर जगह मिलेंगे आपको हर चैप्टर में मिलेंगे तो यहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है तो उन्होंने क्या बताया कि जब दो पॉइंट किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हों तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा क्लियर है तो उन्होंने बोला बात करते हैं अपन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जिसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं इन्होंने क्या बोला कि अगर दो पॉइंट मासेस मैं बात कर रहा हूं masses, याद रखिएगा पॉइंट अगर एक डिस्टेंस आर पे रखे हुए हैं से वन और एम टू है तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ वो प्रोपोर्शनल होता है m1 इनटू m2 के दोनों के मल्टिप्लिकेशन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस डिस्टेंस के स्क्वायर के तो जब इससे पूरा एक फॉर्मुला बनाया गया तो लिखा गया F इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर दिस इज़ लॉ ऑफ़ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ़ ग्रेविटेशन लॉ है इसका कोई प्रूफ नहीं है कि आपको एज इट इज याद रखना है ठीक है अब इस फोर्स की नेचर तो हमें समझ में आ गई कि फोर्स का नेचर है अट्रैक्टिव तो अगर मैं बात करूं दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय टू वन तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन ये हम लिखना चाह रहे हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन ठीक है ऐसे लिखते हैं एफ टू वन फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन ये अट्रैक्टिव नेचर में है तो अगर इसमें मैं वेक्टर की टर्म में लिखना चाहूं तो वेक्टर के टर्म में क्या लिखूंगा वेक्टर की टर्म में होता है m1 से m2 का जो पोजिशन वैक्टर है अगर वो वैक्टर r वैक्टर है तो देखो फोर्स जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है ना तो मैं इसे लिखता हूं ऐसा F21 in vector form is minus g m1 m2 by r square

और इसको अगर यहाँ सब्सिट्यूट कर दूं तो मुझे मिलेगा F21 टू वन इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू बाय आर वेक्टर कैसे ऐसा भी लिखा जा सकता है बिल्कुल लिखा जा सकता है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से भी आप इसके साथ में लिख सकते हैं माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स को इंडिकेट कर रहा है ठीक है बात आगे चलते हैं बात करते हैं कि ये जो फोर्स है हमने बात करी कि दिस इज द फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन क्या फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू भी लिखा जा सकता है तो अगर मुझे लिखना है कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू तो मैं क्या लिखूंगा तो याद करो न्यूटन्स थर्ड लॉ बोला था कि हर फोर्स के लिए हर रिएक्शन इक्वल रिएक्शन होता है और दो पॉइंट अगर रखे हुए हैं एक अगर दूसरे को खींच रहा है तो ये भी उसे इतने ही फोर्स से खींच रहा होगा तो ये हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में होते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब अगर एक पे फोर्स लग रहा है तो दूसरे पे भी सेम फोर्स लगेगा इन अपोजिट डायरेक्शन तो हमेशा ऐसा लिख सकते हैं कि एफ एफ इसका मतलब ये कि अगर इस टू पे फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में तो जो वन पे फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में अपोजिट बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अट्रैक्टिव फोर्स इसे को कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा होता है हमेशा अट्रैक्टिव नेचर होता है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है जी एम वन एम टू आर स्क्वायर के बराबर

आपको बोला गया कि इसका जो पोजिशन वैक्टर है वो है आर वन इसका जो पोजिशन वैक्टर है वो है आर टू बताओ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन कितना लिखा जाएगा इन वेक्टर फॉर्म तो क्या करें वैक्टर फॉर्म में चाहिए तो हमें ये वैक्टर चाहिएगा दिस आर वैक्टर वी नीड फ्रॉम वन टू टू क्योंकि आपको टू पे फोर्स पूछा गया है बिकॉज ऑफ वन वैक्टर जो बनेगा वो वन से टू बनेगा ये आर वैक्टर कैसा लिखा जाएगा तो वेक्टर में हम पढ़ चुके हैं दिस आर वेक्टर 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 नथिंग बट माइनस याद करो displacement vector, दो वेक्टर से कैसे बनाते थे final position minus initial position. तो R2 जो है उसका final है R1 initial है उसका तो अब हम यहाँ एफ टू वन लिख सकते हैं आराम से आर कैप कहा से आएगा चार वेक्टर अगर लिखना है तो नीचे ये क्यूब हो जाएगा इसे ऐसा भी लिख सकते हैं जी एम वन एम टू बाय आर क्यूब आर वेक्टर आर वेक्टर की जगह आप आर टू माइनस आर वन सब्सिट्यूट कर सकते हैं क्लियर है तो इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है अब अगर बात करें कि यहाँ पे जी क्या है वट इज दिस कैपिटल जी सो दिस कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इसका मतलब ये पूरे यूनिवर्स में सेम रहने वाला है ये किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता ना ही मीडियम पे ना ही मास पे ना किसी और चीज पे आप पूरे यूनिवर्स में कहीं भी हो

तो ध्यान रखिएगा दिस जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू कितनी होती है इसकी वैल्यू होती है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन पर माइनस इलेवन क्लियर है और इसका यूनिट अगर लिखनी है तो यूनिट कैसे लिखेंगे आपको पता है कि फोर्स आपने लिखा था G एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर अगर मुझे G की यूनिट्स निकालनी है तो बाकी सबको उधर भेज देता हूँ एफ इंटू आर स्क्वायर बाई यूनिट लिखनी है तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन आर इज इसकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर नीचे दो मासेस हैं बिल्कुल कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस के लिए क्या करेंगे न्यूटन का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू पता है हमें फोर्स के लिए मीटर मतलब एल स्क्वायर के मतलब एम स्क्वायर ये हो गया देखो क्या बनता है फाइनली जो बन रहा है एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू दिस इज द डायमेंशन फॉर जी तो अब ये भी लिख सकते हैं डायमेंशन फॉर जी इज इक्वल टू एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू क्लियर बात सो दिस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट डिनोटेड बाई कैपिटल जी इज सेम ऑल ओवर द यूनिवर्स किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता कोई भी मीडियम हो चाहे वैक्यूम हो चाहे वाटर हो चाहे कोई भी मीडियम हो हर जगह ये सेम रहने वाला है ठीक है बात तो चलिए क्वेश्चन करते हैं बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये कि एक मास यहाँ रखा है एक मास यहाँ रखा है दिस इज वन के जी दिस इज टू के जी दोनों के बीच का जो सेपरेशन है आपको दे रखा है टू मीटर्स पूछा गया बताइए इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है ठीक है ये आपका क्वेश्चन है तो हमें ये बात तो पता ही है कि जितना फोर्स इस पे लग रहा होगा उतना ही फोर्स इस पे लग रहा होगा हमें बस इसका मैग्नीट्यूड चाहिए कि इनके बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कितना है तो क्या इक्वेशन है हमारे पास g m1 m2 बाय r स्क्वायर सो दिस विल बी 6.67 10 -11 into m1 इज 1 m2 इज 2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज 2 स्क्वायर यहां से फाइनल आंसर बता सकते हैं ये हो जाएगा सिक्स पॉइंट सिक्स बाई टू विच इज ऑलमोस्ट थ्री पॉइंट माइनस इलेवन न्यूटन सोचो कि दो मासस जब रखे हैं दो मीटर के डिस्टेंस पे तो उनपे जो फोर्स लग रहा है वो टेंस इलेवन न्यूटन्स के फैक्टर पे चल रहा है इसीलिए आपके सामने जो आपका फोन रखा हुआ है वो आपसे आके चिपक नहीं जा रहा ग्रेविटेशनल फोर्स है आपके बीच में और आपके फोन के बीच में क्योंकि दोनों ही में ही मास है जब दोनों में मास है तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है लेकिन क्यों वो हमें विजिबल नहीं है यहाँ पे क्योंकि वो फोर्सेस बहुत कम होते हैं तो हम जो प्रैक्टिकली जो मासेस देखते हैं वो सारे मासेस बहुत कम हैं कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ इसलिए जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम सबको फील होता है अर्थ इतना बड़ा मास है कि वो अगर हमें पुल कर रहा है हमें हमारी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है तो हमें फील होता है जबकि जो जनरली हम सारे मासेस देखते हैं वो छोटे छोटे मासेस हैं कंपेयर टू दिस इसीलिए वो फोर्सेस हमें फील नहीं होते हैं क्लियर है बात पर हर मास में हर आसपास रखे हुए मासेस में अट्रैक्टिव फोर्स है ठीक है अब सोचो अगर दो से ज्यादा मास यहाँ पे रख दिए जाए तो फोर्स कैसे निकलेगा आपको बोला गया कि तीन मासेस यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है? और ये इनका हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस इज आर वन इसे थोड़ा सा हटा के यहां बना देते हैं दिस इज आर टू दिस इज आर थ्री मास एम वन है एम टू है और एम थ्री है वैसे तीन मासेस रखे हुए हैं पूछा गया आपसे बताइए थोड़ा सा डायग्राम फिर से बना देते हैं इसको एक मास यहाँ रखा हुआ है एक मास यहां रखा हुआ है और एक मास यहाँ रखा हुआ है इस तरीके से आपको तीन मासज यहाँ पे प्रोवाइडेड है आपको बोला गया कि बताइए इस M2, M1 पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा ठीक है? पूछा आपसे तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसके एक बात ध्यान रखिए कि वो दो फोर्स दो मासेस के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स कभी भी तीसरे मास के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता इसका मतलब ये कि अगर मैं m1 और m2 के बीच का फोर्स देखूं तो मैं लिखूंगा जी एम वन एम टू बायर स्क्वायर क्लियर है बात अब यहाँ पे ये M3 है या नहीं इसका इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स से कोई मतलब नहीं है क्लियर है बात हाँ जरूर चेंज हो जाएगा क्योंकि एम पे M2 भी अपनी तरफ खींचेगा और M3 भी अपनी तरफ खींचेगा तो M3 क्या होना नहीं होना M1 के नेट फोर्स को अफेक्ट करेगा लेकिन M1 और M2 के बीच में एक पेयर के बीच में जो फोर्स है वो कभी भी डिपेंड नहीं करता किसी तीसरे की प्रेजेंस पे तो अगर मैं ऐसा कहता हूं कि दिस फोर्स इज एफ वन टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू और इधर जो फोर्स लगेगा इस थ्री की तरफ उसे मैं बोलूंगा एफ वन थ्री फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री तो ये जो दो फोर्सेस यहां पे लग रहे हैं एफ नेट जो आएगा एफ नेट आपका आएगा एफ वन टू प्लस एफ वन थ्री दोनों वेक्टर सम होंगे पर दिस एफ वन टू जिसका मैग्नीट्यूड है जी एम वन एम टू बाय आर वन टू का स्क्वायर है ना जो ये पोजीशन वेक्टर बनेगा वन से टू वाला वो दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एम थ्री क्लियर है बात तो ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक पेयर के बीच में लग रहा है वो किसी और मास के होने ना होने पे डिपेंड नहीं करता हाँ, किसी एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स जरूर डिपेंड करेगा कि उसके आसपास कितने कहाँ कहां रखे हुए हैं सबका वेक्टर सम उसका नेट फोर्स आएगा लेकिन एक पेर के बीच में लगने वाला फोर्स उन सब पे डिपेंड नहीं करेगा क्लियर है बात तो आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि इक्विलिटरल ट्राइंगल पे के तीनों वर्टेक्सेस पे आपने तीन मासस रख दिए ऐसा मास रखे हुए हैं जो एक इक्विलेटरल एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं आपसे बोला कि आपने एक चौथा मास इसके सेंट्रोइड पर रख दिया यहाँ पे एम एम वन हो गया एम टू हो गया एम थ्री हो गया और ये एम जो रखा है वो सेंट्रोइड पर रखा हुआ है क्लियर बात पूछा गया आपसे कि अगर ये जो ट्राइंगल की साइड है वो ए है इक्विलेट्रल ट्रायंगल है तो बताइए इस सेंटर वाले मास पे नेट फोर्स कितना होगा एफ नेट ऑन एम कितना होगा ये आपका क्वेश्चन है ठीक है तो देखो करने के दो तीन तरीके हैं फर्स्ट तरीका ये कि मैं ये ये और ये ये तीन फोर्सेस इस पे दिखा देता हूं जो इन तीन मासेस की वजह से इस पे लगने वाले हैं क्लियर रही बात दिस विल बी एफ वन जो मास वन की वजह से लगेगा दिस विल बी एफ टू एंड दिस तीन फोर्सेज इस पर लग रहे हैं इस तरीके से और क्योंकि ये सेंट्रोइड है क्योंकि ये सेंट्रोइड है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो लेंथ होंगी ये अगर लेंथ आर है तो ये लेंथ भी आर होगी और ये लेंथ भी आर होगी मतलब एक ट्राइंगल के लिए अगर देखा जाए तो सेंट्रॉइड से सारी डिस्टेंसेज इक्वल होती है आर 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 ये सारे इक्वल होती हैं और अगर आपको बोला गया कि ये तीनों मासेस भी इक्वल हैं ऑल दिस थ्री मासेस आर आल्सो इक्वल तो मुझे बताइए क्या एफ वन इज इक्वल टू एफ टू इज इक्वल टू एफ थ्री इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर क्या बात क्लियर है क्योंकि सारे मासेस सेम सबकी डिस्टेंस भी सेंट्रोइड से सेम तो तीनों फोर्सेस भी यहाँ पे सेम हो जाएंगे तो अब आपके पास जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि सेंट्रोइड पे जो मास एम रखा हुआ है उस पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं एफ 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 इस 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 तरफ 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 और F इस तरफ. और ये एंगल कितना है सबके बीच में दिस एंगल इज 120 डिग्री सबके बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री आप चाहें तो यहां से भी देख सकते हैं हर एक ट्रगल का जो वर्टेक्स है वो सिक्सटी डिग्री एंगल बनाता है जब 60 डिग्री एंगल बन रहा है तो ये हाफ जो होगा वो 30 डिग्री होगा इधर से भी थर्टी डिग्री होगा तो जो बचा हुआ है वो वन ट्वेंटी डिग्री होगा क्लियर और हमने जब वेक्टर्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि जब थ्री इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एट एन एंगल वन ट्वेंटी डिग्री टू अदर their their net net sum या their net force is equal to zero क्यों ऐसा क्योंकि ये दोनों मिलके जो इफेक्ट यहां प्रोड्यूस करेंगे उसको ऊपर वाला फोर्स नलीफाई कर देगा इसलिए ये नेट हो जाएगा जीरो तो इस सेंटर सेंट्रोइड पे जो मास रखा हुआ है इस पर नेट फोर्स का कितना आएगा आंसर जीरो क्लियर है वह ऐसा क्यों बोला मैंने जीरो फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं एक बार जब जब भी इक्वल फोर्सेस सिमेट्रिकली लग रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे मतलब मैं आपको बोलूं कि इस पे चार फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं चारों फोर्सेस 90 डिग्री पे हैं और चारों इक्वल हैं तो आप क्या बोलोगे नेट फोर्स कितना है इस पे नेट फोर्सेस जीरो या फिर अगर ऐसा बोलता है कि सब्जेक्ट पे पांच फोर्सेस लग रहे हैं और वो पांचों ही एक पेंटागन की फॉर्म में बन रहे हैं इस तरीके से इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे है इक्वल एंगल पे सारे फोर्स लग रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे अब कितना कितना है इस पे? Zero. Again, -net कितना? Zero. तो जब एक object पे same forces बिल्कुल symmetrically act करें, तो हम कह सकते हैं कि इसका कितना होता है जीरो तो ऐसे ही जब ट्राइंगल में तीन फोर्सेस उस पर लगे और तीनों वन ट्वेंटी डिग्री पे लग रहे थे तीनों फोर्सेस इक्वल थे तो हम कह सकते हैं कि इसका नेट फोर्स बनेगा जीरो आपको बोला कि ऊपर वाला मास 2m है ये मास m है ये मास m है इस बार आपको पूछा कि सेंट्रोइड पे जो मास रखा हुआ है m उस पे लगने वाला फोर्स बताइए भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल है ठीक है और ये जो डिस्टेंसस हैं a हैं के बराबर हैं पूछा f नेट ऑन m प्लेसड एट पे आपको नेट फोर्स पूछा गया तो क्या करें वो इस सारी बातें वापस जो फोर्स लगेगा इधर इधर और इधर लगेगा तो जो उस पर फोर्सेज लग रहे हैं उसको मैं बना देता हूं दिस फोर्स इज एफ वन दिस फोर्स इज एफ टू दिस फोर्स इज एफ थ्री ठीक है जो सेंट्रोइड के साथ डिस्टेंस होती है वो आर 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 डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाली है भी भी। तो ये जो फोर्स लिखा जाएगा जी ऊपर और, और ये लिखा जाएगा जी एम एम बाई आर स्क्वायर अब यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं है क्योंकि तीनों फोर्सेस सेम नहीं है और जब ऐसा होगा तो हमें यहाँ वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा तो वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे आप चाहें तो ये टोटल एंगल था 120 डिग्री मतलब ये एंगल होगा 30 डिग्री क्लियर बात अब अगर मैं इस फोर्स के कंपोनेंट लेना चाहूं इधर और इधर ऐसे इसके भी कंपोनेंट लेना चाहूं इधर और इधर तो देखो ध्यान से कि इसके जो ये एक्स वाले कंपोनेंट आ रहे हैं दोनों के कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये आप लिखोगे एफ थ्री कॉस डिग्री

नीचे जो फोर्स लग रहा है वो f2 और f3 का जो रिजल्टेंट आया वो आया gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर तो f नेट जो इस पे हमें साफ-साफ दिख रहा है कि ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा है व्हिच इज gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर 2 1 बचा gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर ऊपर की तरफ दिस इज योर फाइनल आंसर क्लियर है तो हमें करना है ये जो वेक्टर्स वेक्टर्स हमने किया था nlm में भी हमने एक बात करी थी कि आपको नेट फोर्स कैसा निकालना है इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं क्वेश्चन आपको दिया है ऐसा कि एक रेक्टेंगल है रेक्टेंगल की ये साइड टू मीटर दिस साइड इज वन मीटर इसके सेंटर पे एक मास आपने रख दिया चलिए इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि एक रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल के तीन पे तीन मासेज रखे हुए हैं इस तरीके से एम एम और एम पूछा गया आपसे चलिए चारों पे मान लेते हैं चारों पे एक एक मास रखा हुआ है आपसे ठीक है पूछा गया कि अगर ये साइड ए है ये साइड टू ए है तो बताइए किसी भी एक वर्टेक्स पे जो मास रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स कितना होगा ठीक है तो लेट्स से अपन बोल देते हैं कि ये जो मास एम है दिस मास M, इस पे नेट फोर्स कितना है ये आपका क्वेश्चन है और इसमें आपको वेक्टर फॉर्म में आंसर देना है X और y इस तरीके से पॉजिटिव आपको बता रखे हैं ठीक है वेक्टर फॉर्म में आपको आंसर इसमें देना है तो चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी से कैसे करेंगे अब देखो इसको सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं भाई एक तो ये क्या वेक्टर फॉर्म जो करते हैं तो हम पहले वेक्टर्स बना लें वेक्टर्स कैसे बना लें तो जो ऊपर वाला इस पे मास है वो इस पे ऊपर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा ऐसा जो लेफ्ट साइड वाला है वो इस तरीके से इस पे फोर्स लगाएगा और जो डायगनल वाला है वो इस पे इस तरीके से फोर्स लगाएगा तो ऐसे तीन फोर्सेस इस पे लगेंगे और इन तीन फोर्सेस को हम वेक्टर में डायग्राम बना के सॉल्व करें पहला तरीका तो ये है कि नेट फोर्स हम यहां से निकालें कंपोनेंट्स लेके ग्राफिकल मेथड से दूसरा तरीका क्या है कि मैं हर फोर्स को आईकेब कैप के फॉर्म में लिखूं और फाइनली सबको ऐड कर दूं तो फाइनल मुझे आंसर आई कैप एफ में मिल जाएगा तो अपन इस बार आई जे वाला तरीका इसमें यूज करते हैं तो मैंने इसको नाम दे दिया दिस इज वन दिस इज एंड दिस इज थ्री ऐसा करने से क्या है कि मैं इसको F3, F1 और टू तीनों नाम दे सकता हूं ठीक है अब अगर एफ वन मुझे लिखना है तो एफ वन क्या लिखूंगा एफ वन विल बी अगर मैग्नीट्यूड है तो जी एम एम बाई डिस्टेंस कितना है टू ए तो टू ए का स्क्वायर और इसकी डायरेक्शन क्या है दिस डायरेक्शन इज माइनस आई कैप क्योंकि ये आपको दे रखा है इस डायरेक्शन में माइनस आई कैप क्लियर है बात एक्स के अपोजिट में है अगर एफ थ्री की बात करें तो एफ थ्री क्या लिखा जाएगा जी एम एम बाई ए स्क्वायर क्योंकि वो डिस्टेंस जो है ए है और इसका जो डायरेक्शन है वो प्लस जे कैप है ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अब बचता है जो डायगोनल है उसके लिए लिखा जाए तो डायगोनल के लिए कैसे लिखेंगे तो इसके लिए हमें ये आर वेक्टर चाहिएगा दिस आर वेक्टर कैन बी फाइंड लाइक एफ टू इज इक्वल टू जी एम बाय ये डिस्टेंस कितनी है सबसे पहली बात तो दिस डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं आराम से ऐसा एक ट्राइंगल बना हुआ है यहाँ पे ये है टू ए यह है ए और ये डिस्टेंस आपको चाहिए पाइथागोरस लगा के आप निकाल सकते हैं दिस विल बी ठीक है तो ये हो जाएगा रूट फाइव ए का और अब लिखना है यहाँ का यूनिट फैक्टर तो जो यूनिट फैक्टर है वो हम देख पा रहे हैं कि भाई एक्स में जो है वो है टू ए आई कैप विद माइनस साइन प्लस ए जे कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये क्या किया मैंने आर कैप जब लिखना था मुझे तो मैंने इसको लिखा आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर ठीक है तो आर वेक्टर कैसे लिखा ये एक्स की डिस्टेंस है एक्स आई कैप और ये डिस्टेंस है वाई वाली वाई जे कैप तो एक्स आई कैप इज टू एप और वाई इज एजे कैप और x क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस में हमने लिखा उसको इस तरीके से ये यूनिट वेक्टर लिखा ठीक है अब f नेट क्या होगा f नेट इज इक्वल टू f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर तीनों का वेक्टर एडिशन करेंगे मतलब i को i से ऐड करेंगे j को j से ऐड करेंगे फाइनल आंसर अपन यहां से अपना लिख सकते हैं क्लियर है बात इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गुड चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं आप मुझे इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि एक पेंटागन है उसमें एक यूनिफॉर्म पेंटागन है यूनिफॉर्म पेंटागन मतलब सारी साइड सारे एंगल सब इक्वल हैं ऐसा एक पेंटागन बना रखा है आपसे पूछा गया कि अगर इसके सेंटर पे एक मास रख दिया जाए ऐसा और इसके चार वर्टेक्स पे मास रखे गए हैं ऐसे ठीक है इस वर्टेक्स पे मास नहीं है यहां पे कोई मास नहीं है ठीक है तो आपसे पूछा गया बताइए इस सेंटर वाले पे नेट फोर्स कितना होगा सारे एमएम mm आपको दे रखे हैं जो ये लेंथ है ये ए दे रखी है पूछा गया बताइए इस सेंटर पे जो मास रखा हुआ है एम इस नेट फोर्स कितना लगेगा तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप इसको करने का तरीका क्या है कि या तो आप ये चार की वजह से चार फोर्सेस निकालो कि एक इस तरफ लगेगा एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा इन चारों फोर्सेस को वेक्टर में सम करो और अपना फाइनल आंसर बताओ या दूसरा तरीका ये है जो हम थोड़ा सा अच्छा मेथड मानते हैं वो ये कि मैं इस पेंटागन को कंप्लीट कर देता हूं मैंने यहां और रख दिया ठीक है ये पेंटागन कंप्लीट हो गया पांच फोर्सेस अब इस बीच वाले आ, मास पे लगेंगे और पांचों फोर्सेस जो लग रहे हैं वो यूनिफॉर्म है मतलब सिमेट्रिक है सेंटर पे जो मास है उस पर एक, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर

एक छोटा मास माइनस एम रखा हुआ है उसकी वजह से भी आपको सेंटर पे फोर्स चाहिए ऐसा हिसाब हो गया अब तो जो पेंटागन यहाँ बना रखा है उसको थोड़ा अच्छा बना देते हैं दिस इज अ पेंटागन तो सेंटर पे जब आपको फोर्स निकालना है तो इस पेंटागन की वजह से जो पांच मासज आपने रखे हैं इसकी वजह से फोर्स प्लस जो ये माइनस एम वाला एक मास एक्स्ट्रा है इसकी वजह से फोर्स ये दो बातें आपको देखनी है तो इसका तो पता चल गया इसकी वजह से नेट फोर्स आ रहा है जीरो जो भी फोर्स आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से होगा और वो फोर्स हम बोल सकते हैं कि अगर सेंटर पे मास रखा हुआ है एक मास यहाँ रखा हुआ है दिस दिस मास इज इज माइनस माइनस एम 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 तो अब वैसा कुछ होता नहीं है मास नेगेटिव में नहीं होता पर यहाँ पे हमने जस्ट को अज्यूम किया है ऐसा तो हम कह सकते हैं कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा नेट इस डायरेक्शन में और वो कितना होगा दिस फोर्स विल बी इक्वल टू जी सॉरी फोर्स uh, की डायरेक्शन अपोजिट होगी फोर्स जो इस पर लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा जी एम एम डायरेक्शन अपोजिट क्यों हुई क्योंकि जब दो पॉइंट और मास होते थे तो अट्रैक्टिव फोर्स होता था पर यहाँ पे एक एम है और दूसरा माइनस एम है तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स हम मान सकते हैं इसे जो कि अपोजिट डायरेक्शन में इस पर लगेगा फिर बता रहा हूं ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा कोई फोर्स नहीं होता क्योंकि कोई मास नेगेटिव में नहीं होता सारे मास पॉजिटिव होते हैं हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही लगाते हैं पर यहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने ऐसा माना कि जहां खाली स्पेस था वहां पे एक प्लस एम और एक माइनस एम रख दिया जाए तो हम नेट फोर्स इसमें आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है बात ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा ओके तो चलिए यहां तक की सारी बातें हो गई नेक्स्ट दो पॉइंट्स बहुत खास हैं पहली बात तो ये कि आपने जो फोर्स यहाँ लिखा था जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर यहाँ पे एम वन एंड एम टू कैसे मासेस हैं पॉइंट मासेस एम वन एंड एम टू पॉइंट मासेस हैं तो अभी तक पॉइंट मासेस अगर अरेंज किए हुए थे तो आप आराम से फोर्स निकाल पा रहे थे लेकिन अब आपको बोला कि दो स्फीयर्स ऐसे रखे हुए हैं ठीक है यहाँ दो शेल ऐसे रखे हुए हैं शेल स्फीयर जो भी आप, आप भी मान पे सकते हैं इन दोनों के बीच में बताइए नेट फोर्स कितना होगा और इनके जो सेंटर की डिस्टेंस डिस्टेंस है है वो आर है. तो ध्यान रखिए कि जब भी दो शेल के बीच का फोर्स निकालना है दो स्पीयर्स के बीच का फोर्स निकालना है तो हम इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बाय कंसिडरिंग दीज टू शेल्स या दीज टू, टू, टू स्फीयर्स टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट देर सेंटर मतलब ये पूरा का पूरा मास इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान के हम बिल्कुल वैसा ही कर सकते हैं जैसा एक पॉइंट मास के लिए किया करते थे पर ये सिर्फ और सिर्फ एक शेल या एक केस में ही वैलिड है वो भी यूनिफॉर्म मास वाला यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला अगर आप बोलें कि एक सिलेंडर यहाँ ला के रख दिया उसके बीच में आप फोर्स बताइए तो आप ऐसा नहीं कर सकते जैसा हम यहाँ कर रहे हैं तब नहीं हो पाएगा सिर्फ और सिर्फ शेल और के केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि उसका पूरा का पूरा मास उसके पॉइंट पे या उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान लीजिए और फिर उसके पॉइंट मास मान के आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और ऐसा भी तभी पॉसिबल है जब दो शेल दूर दूर रखे हुए हैं या दोनों के बीच में सेपरेशन है यह आप तब भी कर सकते हैं जब आपको बोला गया कि एक शेल यहाँ पे है और एक पॉइंट मास यहाँ पे है बताइए इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा तब भी आप एक केस यूज कर सकते हैं आप फोर्स लिखेंगे जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर जहां पे आर इसके सेंटर से इस पॉइंट मास के डिस्टेंस है तब भी आपने क्या किया इस एम वन को इसके सेंटर पे कंसंट्रेट मान लिया सिचुएशन हो गई कुछ ऐसी सेंटर पे एम वन और ये एम टू और आपने फोर्स लिख दिया जी एम पर अगर ऐसा होता कि एक शेल के जिसका मास m1 है सेंटर यहाँ पे है और इसके अंदर एक दूसरा मास दे रखा है m2 शेल के अंदर एक दूसरा मास दे रखा है m2 तो आप बोलेंगे कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 0 तो ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा कि एक शेल के केस में अगर दूसरा मास उस शेल से बाहर है तो आप क्या करेंगे उस शेल को सेंटर पे कंसंट्रेट मान के पॉइंट मास की तरह बिहेवियर उसका कर सकते हैं लेकिन अगर शेल के अंदर दूसरा मास है तो उस अंदर वाले मास पे हमेशा नेट फोर्स जीरो होगा वो चाहे कहीं भी रखा हो इस पूरे शेल में क्लियर है बात तो आपकी एनसीईआरटी में ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं इन दोनों के ऊपर फिर से मैं बता देता हूं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अः होलो स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड मास क्या बोला एक शेल है और एक पॉइंट मास बाहर रखा हुआ है

डू टू होलो स्पेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी के अंदर आपने वो रख लिया है, किसी भी पोजिशन पे तो आप कह सकते हैं कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा जीरो सिचुएटेड इन साइड और ये कहा से आया हमने इसको ऐसा क्यों मान लिया सिर्फ शेल या केस में ही क्यों मान सके? ये सारी हम आगे जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे तो फिलहाल आपको अगर दूसरा है, तो आप शेल को उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान के पॉइंट मास की तरह बिहेवियर देख सकते हैं या दूसरे केस में अगर शेल के अंदर वो पॉइंट मास है तो उस पर हमेशा नेटफोर्स जीरो होगा चाहे वो किसी भी पे रखा हुआ ठीक है तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातें करेंगे ग्रेविटेशन से रिलेटेड तब तक के लिए बाय बाय आप सभी लोगों को पढ़ते रहिए और कोई डाउट है तो पूछिएगा